ठीक है कल चलते हैं फिर, है ना गाइस, मुझे नानी को लेकर जाना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर अंकुर ब्लॉग्स। तो आज का लोग करते हैं शुरू। हाँ मैं बता दूँ, मैंने अपने चैनल का नाम कर दिया चेंज। मेरे चैनल का अब नाम हो गया मिस्टर अंकुर ब्लॉग्स। तो अब मेरे चैनल का नाम यही रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ टेक्निकल इशू के कारण मतलब ये बदलना पड़ा। तो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। पहले मैं बता दूँ, अभी हो रही है शाम, काफ़ी मतलब हो चुकी है, तो मैं आज ब्लॉग बनाने में लेट हो चुका हूँ। सो गाइज, मम्मी अभी धो रही है कपड़े और पशु बंधे हुए वो चारा खाए रहे, और नानी जी इधर बैठी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। नानी कब चलोगे फिर मेरठ, कब जाओगे काम के लिए? तो ठीक है कल चलते हैं फिर, है ना गाइज। मुझे नानी को लेकर जाना है एक और बैंक, कुछ काम है बैंक का, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि नानी को लेकर जाऊँगा बैंक में। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, हमारे मैंने आपके मतलब पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि हमारे घर के पीछे हमने सब्जियाँ बो रखी है, तो उन सब्जियों को जंगली जानवर खा रहे थे, तो हमने उसे बचाने के लिए एक मतलब जुगाड़ करा है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो ये हमने घर के पीछे सब्जी लगाई रखी है, लेकिन ये आप देख रहे हो ना साड़ी की, हमने इसको सील कर एक पूरा वो बना दिया बड़ा, तो जिससे अब जंगली जानवर और कुत्ते वगैरह इसको नहीं खा रहे, और जो है अब ये सेफ़ है। तो गाइज देख लो, जुगाड़ अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। वैसे भी मुझे बुलाया नानी ने, एक बार सुन लेता हूँ नानी क्या कहती है। बताओ क्या पता नहीं किसका है फ़ोन है, भाई नानी भी अपना मोबाइल फ़ोन रखती है अपने पास, क्योंकि नानी ने भी रेलवे में जॉब की है, तो इनके पास भी भाई बैंक के मैसेज आते हैं, और वैसे जो इनके कलीग्स थे मतलब उनके भी कॉल आते हैं इनके पास। तो गाइज मुझे कल जाना है नानी को लेकर मेरठ बैंक, मतलब कुछ काम है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और मैं जाऊँगा स्कूटी से, तो आपको दिखाता हूँ स्कूटी की हालत क्या हो रखी है अभी। तो गाइज आप देख सकते हो मेरी स्कूटी है, बट अभी क्या कंडीशन है इसके साथ, भाई बिल्कुल हो रखी है ख़राब, काफ़ी दिन से खड़ी है, स्टार्ट नहीं की। कल इसको स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ होता ही नहीं यार, इसको भी थोड़ा मैकेनिक के पास ले जाना पड़ सकता है मुझे। सो गाइज़ मैं ये ब्लॉग अपने मोबाइल फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर आएगा। तो आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो गाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमारे घर में एक काऊ है, मतलब वो ऐसी बाहर से आई थी, तो हमने उसे घर पर रख लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसे वो कैसी है। तो गाइज़ ये है वो काऊ जिसको आप सामने देख सकते हो, ये हमारे घर पर ऐसी आई थी और हमने ऐसे रख लिया था। मम्मी मम्मी मुझे लगी भूख बहुत ज़्यादा है, खाना बना हुआ है नहीं बना हुआ जल्दी? खाने का टाइम है, चल चाय लेंगे। तो मम्मी कह रही है कि कुछ खाने का टाइम है, तो यार मुझे एक प्रॉब्लम आ गई अभी, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली घर पर समरसेबल कराया था, तो क्या हुआ उसकी जो टैप थी, जो मेन जो समरसेबल जहाँ से स्टार्ट मतलब पानी निकालता है उसको टैप, वो ख़राब हो गई है यार। वो मिस्त्री को मतलब प्लम्बर से कॉन्टैक्ट करके उसे बदलवाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो ये जो आप देख रहे हो समरसेबल, ये जो ब्लू वाली टैप है टैप, ये ख़राब हो गई है, देखो वाटर लीक हो रहा है यहाँ से, तो इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। और मम्मी अभी कर रही है पशुओं का पानी पिला रही है। भाई नानी को कुछ दिक्कत हो रही है, नानी को होती है बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत। क्या हो रहा दिक्कत नानी को आप बताओ? सांस फूल रहा है नानी का बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई एज भी काफ़ी हो गई है, तो मतलब तो थोड़ी सांस की दिक्कत होती है, तो मेडिसिन वगैरह खाती रहती है। तो मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर, मिलते हैं फिर ऊपर। गाइस जो आप सामने देख रहे हैं ना वाटर टैंक, भाई दिक्कत ये होगी, ये किचन पे रखा है ऊपर, और किचन का जो लेंटर है वो है कमज़ोर, तो भाई इसको भी रिपेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वेट ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको मिस्त्री को दिखाना पड़ेगा यार। सो गाइस मेरा हो रहा है चाय पीने का मन, तो मम्मी बना रही है चाय रसोई में अभी। सो मैंने फाइनली पी ली है चाय, और अब मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश सा हो गया चाय पी के बाद। भाई कुछ आदत होती है ना मुझे वो आदत है चाय की पीने की, तो मुझे एक बार मॉर्निंग में और इवनिंग में चाय ज़रूर चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर देना गाइज़, तो मैं आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लाता रहूँगा। हाँ मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है यूट्यूब के बारे में और अभी ब्लॉग्स के बारे में, लेकिन जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।